निकल गए आप? आ जाओ भाई। लगा नहीं भाई, स्टीयरिंग रॉड रहता ना का। देखो भाई अभी जस्ट एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों अभी बच गए शाम के 7:30 और अभी हम वापस निकल रहे हैं नासिक से अहमदाबाद के लिए। और अभी मैंने व्लॉग केबिन में ही चालू किया है क्योंकि बाहर पार्किंग में बहुत ही गंदगी थी, इसकी वजह से बाहर तो नहीं आया, पर अभी अपना व्लॉग केबिन में ही चालू होगा। अभी हम पार्किंग से निकल रहे हैं द्वारका के लिए और अभी हमारे नैन भाई रेडी हो गए। नैन भाई रेडी हो गए अभी? कंप्लीट एकदम फ्रेश हो गए, पूरा आराम कर लिया आपने? अभी कहाँ तक चलाओगे आप? पर अभी मैं यहाँ से पिकअप विकअप कर के आधा घंटा होटल तक चलाऊंगा, फिर सो जाऊंगा सुबह होटल तक। अच्छा, सुबह फिर होटल से चाय पानी करके वापस हम करेंगे। अच्छा, और अभी अपना पिकअप कहाँ कहाँ रहता है अपने द्वारका में? नासिक में नासिक रोड है, पर फिलहाल में पिकअप नहीं है, गाड़ी सिर्फ द्वारका लगेगी। द्वारका से 8:30 बजे निकलेगी अपनी गाड़ी, फिर वहाँ से भक्ति धाम जाएंगे। अभी टिकट का 9 बजे निकल जाएगी। टिकट का क्या चल रहा है अभी? थोड़ा ट्रैफिक में इसलिए 1000 रुपया भाव नॉर्मल पड़ा। नॉर्मल पड़ा। और अभी सुबह कितने बजे पहुंचेंगे हमें अहमदाबाद? सर अपन अगर बारिश वारिश नहीं हुई तो मैं सुबह 7 बजे लमसम पहुंच जाते, बाकी बारिश हो थोड़ा आधा घंटा घंटा आगे पीछे हो जाता है। और अभी नासिक में अपनों को नासिक अच्छा लगता है कि अहमदाबाद अच्छा लग रहा है? पार्किंग वगैरह वातावरण देखो तो नासिक भी बढ़िया है, बाकी पार्किंग वार्किंग देखो अपना गुजरात में तो क्या गर्मी के हिसाब से सब सूखा ही रहता है। यहाँ पर आपने भी यहाँ दिन भर देखा ही है मौसम कैसा था, बारिश गिरी दिन में, आपको ऐसा कि नहीं वो होगा कि यहाँ पर गर्मी लगी हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत ठंडक थी। और अभी ड्राइवर लाइफ कैसी रहती है आपकी वैसे? ड्राइवर लाइफ कैसी रहती है आपकी, पहले की और अभी की लाइफ? अच्छी है अभी, पहले तो बहुत अलग ही था, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। चलो अभी यहाँ से अभी कितने बजे निकलेंगे पार्किंग से? अभी अभी अपना पार्किंग से थोड़ी बाहर गाड़ी निकाल देंगे, फिर 10-15 मिनट बंद करेंगे और 8:15 पर अपना ऑफिस का गाड़ी लगा देंगे। ओके, अभी कंडक्टर साहब कहाँ गए आपके? कंडक्टर साहब की गाड़ी की सर्विस मरवाने के लिए। ओके चलो अभी अब निकल रहे हैं नासिक से अहमदाबाद के लिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कैबिन कितना प्यारा सा है, अपने सभी देवी देवता के फोटोज है और LED लाइट्स वगैरह, और अभी स्पेस देख सकते हो केबिन का और बस का इंटीरियर भी देख सकते हो आप, बढ़िया सब प्यारा सा है, फुल्ली AC स्लीपर गाड़ी है, 2x1 इस साइड डबल का है, इस साइड सिंगल स्लीपर है। और स्पेस देख सकते हो आप, बहुत ही लार्ज रहता है, एक बंदा आराम से सो सकता है। सामने AC है प्लस जूते वगैरह रखने का स्टैंड है, चार्जिंग पॉइंट भी रहता है, प्लस मोबाइल रखने का स्टैंड भी रहता है, आप देख सकते हो सामने ही है, प्लस पिल्लो है, बैक सीट भी है जो आप बैठ भी सकते हो आराम से, सो भी सकते हो, जैसे जैसे आपको ब्लैंकेट ऑन डिमांड पे रहेंगे। ब्लैक अब आपने आप जैसे जैसे डिमांड करोगे ब्लैंकेट का वैसे आपको डिमांड आपको ब्लैंकेट मिलेंगे। अभी चलो आपको आगे मिलता हूँ। अभी हमारा सफ़र चालू हो गया है नासिक से अहमदाबाद के लिए, अभी जितना हो सके इतना कवर करता हूँ बट आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलो अभी मिलता हूँ आपको आगे डायरेक्ट ऑफिस पे द्वारका।
बज गए रात के 9:30 और अभी हम निकल गए हैं नासिक से। अभी सारा पिकअप ख़त्म करने के बाद फिर निकल गए हैं अहमदाबाद के लिए। और अभी हमारे साथ है कंडक्टर साहब कमीर भाई। अभी पिकअप ख़त्म हो गया सारा, अभी अभी फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे रहेगा अपना होटल का? आगे। और अभी सब पैसेंजर आगे कोई पिकअप है कि नहीं? आगे कोई नहीं। अपना लास्ट द्वार नासिक में। अभी हमारे ड्राइविंग सीट पे है नयन भाई। नयन भाई बस बढ़िया, आप अभी जो सिटी में अभी कैसा रहता है इधर नासिक का ट्रैफिक कैसा रहता है? अभी सब पिकअप खत्म हो गया, अभी सिटी के बाहर जा रहे हैं। अभी यहाँ गणेश चतुर्थी चल रही है तो सभी जगह पे गणपति बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं नासिक में। बहुत ही अच्छा माहौल बना है। चलो अभी आपको मिलता हूँ सीधा हाईवे पे। दोस्तों अभी बज गए रात के 10 और अभी हमने पहला स्टॉप लिया है रामपीठ पे, अभी होटल श्री कृष्णा पे खाना खाने के लिए। अभी हम यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे, 20 मिनट का होल्ड है। खाना खाने के बाद निकलते हैं अहमदाबाद के लिए होटल श्री कृष्णा। बहुत ही प्यारा सा होटल है। अभी इनका खाना कैसा है रहता है अभी टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये प्यारी सी बैठक है होटल के अंदर की, देख सकते हो होटल से कृष्णा है, उसका इंटीरियर देख सकते हो। यहाँ पे सब लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपको। ये सेट है यहाँ के। सर कैसे हो आप? यहाँ पे क्या 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 खाना मिलता है? सब कुछ पंजाबी में मिलता है, गुजराती वगैरह सब। ओके ओके, आप गुजराती हो कि राजस्थानी हो? राजस्थानी हो, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका सर? मानिक भाई। ओके चलो अभी खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। दोस्तों अभी बज गए रात के 10 और अभी हम निकल गए होटल से खाना वाना खा के। अभी हमारे साथ है नयन भाई। नयन भाई खाना वाना हो गया आपका? हो गया अभी। कैसा रहता है खाना होटल का? ठीक है खाने का। कैसे रहते होटल अपनी ये कृष्णा? 20 गाड़ियाँ लगती है अपने यहाँ पर अहमदाबाद की गाड़ियाँ, ज़्यादातर यही होटल पर रुकती है अहमदाबाद की गाड़ियाँ। अहमदाबाद है, सूरत वाली है। कैसा रहता है खाना? खाना ठीक है। अभी तो सो जाओगे आप? हाँ अभी सो जाऊंगा। फिर कहाँ पे सीधा ड्राइविंग करोगे आप? सुबह होटल गैलेक्सी। होटल गैलेक्सी? हाँ सुबह गैलेक्सी से वहाँ पर अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद जाके सो जाओ? स्लीपर खाली है, स्लीपर नहीं तो फिर अपना झूला बना के रखते हैं। अच्छा अरे आपको ये खराब पछता है कि नहीं पछता? मतलब क्या है पूरा दिन मतलब ऐसे चलने का रहता नहीं है, गाड़ी पे बैठने का, गाड़ी पे चलाने का? कम खाना खाते, ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाते। वही तो, जितना 3 रोटी की टेम्परेचर तो वहाँ 2 रोटी खा लेते, ज़्यादा नहीं खाना खाते। क्या कि गाड़ी बंद करने के बाद आप तो कहीं चलते नहीं हो, फिर सो जाते हो, फिर शाम के टाइम उठते हो 10 मिनट तक खड़ा रहने का बाद हो गया, फिर चलते नहीं हो तो खाना हजम कैसे होता? मतलब भारे रहता पेट। क्या करें टाइम ही ऐसे अपना, अभी कहाँ चलने जाएंगे, टाइम ही नहीं है अपने पास। खाना खाया 10 मिनट खड़े रहो, फास्ट। अरे ये गार्ड कैसे रहता है? डेंजर रहता है मतलब चोरी को लूटपाट होती है कभी ये गार्ड पे? हाँ होता है, पत्थर मारी होती है, पत्थर मारी होती है अपने टाइम में, घास वास फूट जाते हैं कभी कभी, रहता सब लोग कभी यहाँ पर। कभी ऐसा लूटपाट हुआ है? कभी ऐसे हुआ है आप गाड़ी चला रहे पत्थर मारे वगैरह हुए हो? नहीं अपने साथ में नहीं हुआ, सामने वाली गाड़ी में हुआ था,
नंबर पुरानी गाड़ी में देता हूँ, दूसरी गाड़ियों का मैन कार्ड टूट गया, किसी का साइड कार्ड टूट गया था, पर अपने साथ में ऐसा हादसा नहीं हुआ अभी तक। कौन सी जगह पे रहता है सर ये? अपने गार्ड में पेट गार्ड आता ना, पेट गार्ड में इधर लूट के इरादे से ही करते हैं, पत्थर मारा के नहीं, काले पत्थर मार के छोड़ देते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं वो, बाकी लूटने के लिए नहीं आते। अभी चलो आप सो जाओ अभी आराम से, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी हमारे गंभीर भाई आप भी सो जाओगे अभी? हमारी ड्यूटी बॉर्डर से खत्म हो जाएगी। चलो अब इनकी ड्यूटी खत्म, अभी ये भी सो जाएंगे, अभी मेरे से भी जितना कवर होता है इतना करता हूँ, फिर बाद में मैं भी सो जाता हूँ। देख सकते हो गाइस नासिक घाट में किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं। पलटी मार गया एक और ट्रक, बहुत पूरी तरह पलटी मारा है गाड़ी। देख सकते हो ड्राइवर साहब ऊपर बैठ गए हैं, गाड़ी पलटी गई है अभी हाईवे पे। ट्रैफिक लग गया नासिक घाट में, यस इस तरह के रोड रहते हैं जहाँ पे मौसम टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, कभी कभार ढलान चढ़ते चढ़ते ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वापस आके पलटी खा जाती है गाड़ी। इसलिए सेफ ड्राइविंग करें, ध्यान रखें।
गाइस देख सकते हो अभी वो पलट गई है गाड़ी, अभी फंस गई है सामने पिकअप। किस तरह का रोड रहता है दोस्तों। सुबह के बज गए 5 और अभी हम निकल गए हैं होटल गैलेक्सी से बाहर चाय नाश्ता करके। और अभी ड्राइविंग सीट पर नयन भाई कैसे हो? दिन खत्म हो गया, अहमदाबाद 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट स्टॉप कहाँ पर रहता है? अभी नहीं भाई ड्राइविंग सीट कर रहे हैं। सुबह सुबह हो गया, अल्लाह भी एक्सीडेंट हुआ, जल्दी करो। चलो 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 दोस्त हो यार, अल्लाह भी एक्सीडेंट हो गया सुबह सुबह। भाई हुआ तो नहीं कुछ? निकल गए आप? आ जाओ भाई। लगा नहीं भाई स्टीयरिंग रॉड रहता ना नीचे का। देखो भाई अभी जस्ट एक्सीडेंट हो गया। एकदम से पलट गई गाड़ी। दोस्तों सुबह के बज गए 7:45 और अभी जस्ट हम बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। और अभी हमारे आगे एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक पलट गया। अभी दोनों ड्राइवर सेफ है, कंडक्टर ड्राइवर। नैन भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ? ड्राइवर भाई ने बस बताया अपने को बच गए। पर नुकसान हो गया बहुत सुबह सुबह का, मालिक का नुकसान हो गया वैसे। हाँ इंसान है तो वो गाड़ी फिर से आ जाएगी। ऐसे रहते हैं हाईवे पे भाई, कभी कभार ऐसे हम शूट भी नहीं कर पाते, मतलब ऐसे मोड पर रहते हैं एक्सीडेंट वगैरह। कभी ऐसे पूरे बहुत खतरनाक मंजर भी रहता है जहाँ पे कोई बच भी नहीं सकता या देख भी नहीं सकते, और एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं। नासिक से आते आते 2-3 ऐसे ट्रक पलट गए देखे।
एक हाईवे के ऊपर का, एक हाईवे के बाहर का, एक लाइव देखा। मतलब ये ड्राइवर की जिंदगी में एक मंजर रहता है खतरनाक, कभी एक बार मौत आ जाए कोई टाइम का फिक्स नहीं रहता है। हम सही चल रहे तो आगे वाला की गलती रहती है, आगे वाला की गलती करके हम मर जाते हैं, बहुत सारा रिस्क रहता है। गंभीर भाई अभी क्या बताया, क्या कभी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है आपके साथ ऐसे गाड़ी लाइन में? हुआ तो है एक बार। कभी एक बार गाड़ी टूटी है नीलकंठ की, दूसरी नहीं, दूसरी नीलकंठ के अटैक में थी वो का ड्राइवर सामने ऐसर वाला आके सामने सामने से आके कहाँ पे गार्ड में धर्मपुर गार्ड में मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, राहुल का फ्रैक्चर फ्रैक्चर हुआ था, नुकसान हुआ था गाड़ी का, बोनस का एंजीनियरिंग वगैरह सब टूट गए थे। तो बहुत टाइम हो गया, क्या कितना साल हुआ कितना साल हुआ एक्सीडेंट वगैरह हुआ? एक साल हुआ। भी देख सकते हो इनके साथ भी ऐसा हुआ था। आपके साथ नहर में कभी ऐसा हुआ है हादसा? अच्छा, भगवान करे ना भी हो। ड्राइविंग में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? मतलब अभी इनका भी देख लो, ये अन्ना वगैरह का वो भी जाग रहे थे पर स्टीयरिंग का प्रॉब्लम आ गया, पलट गई गाड़ी भी। बहुत सारे रास्ते खराब है, नासिक वाला तो बहुत ही बेहाल है। हाँ, बहुत ही खतरनाक था भाई। रात को अगर कोई पकेला बंदा निकल गया फोर व्हील लेके तो समझ लो बिना जान पहचान के तो वापस ही नहीं आए। चलो अभी अभी अहमदाबाद पहुंचेंगे आधे घंटे में, फिर मिलता हूँ आपको अहमदाबाद। हाँ, 20 मिनट हम अहमदाबाद पहुंचने को आए हैं। दोस्तों सुबह के बज गए 7:30 और अभी फाइनली हम सिटी में पहुंच गए अहमदाबाद। अपना टाइमिंग फिक्स था गाड़ी का 7:30, 15 मिनट वो लेट हो गए, एक्सीडेंट हो गया था बीच में रास्ते में। अभी अपना जर्नी यही ख़त्म करते हैं, अभी चलो अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट जर्नी में। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।